वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज सबसे पहले बात करेंगे नीले रंग की। नीला रंग आत्मिक शांति का प्रतीक है। अस्थमा, सिर दर्द, तनाव और हाई ब्लड प्रेशर में भी ये रंग सहायक है। वहीं बैंगनी रंग उदासीनता को कम करता है। काला रंग अकेलेपन को बढ़ाता है। वास्तुशास्त्र में अधिकतर इस रंग को अवॉइड ही किया जाता है। वहीं सफ़ेद रंग की बात करें तो ये शांति, सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। नारंगी रंग महत्वाकांक्षाओं और अहंकार में वृद्धि करता है, जबकि भूरा रंग निष्पक्षता को दर्शाता है। तो अब यहाँ कौन सा रंग घर के किस दिशा के वास्तु के लिए समीचीन है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। काले रंग के लिए उत्तर दिशा श्रेयस्कर है, नीले रंग के लिए पश्चिम दिशा श्रेयस्कर है, भूरे रंग के लिए पश्चिम और मध्य के बीच में जहाँ सेंटर है वहाँ तो येलो, उसके नीचे वहाँ पर ब्राउन कलर, और जस्ट उसके ऊपर जहाँ पर जहाँ ग्रीन कलर पूर्व में है और सेंटर में पीला, इन दोनों के बीच में ब्राउन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर ईस्ट में ग्रीन के जस्ट नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कलर्स का पैटर्न घर में सही रखने से चीज़ें बेहतर होती हैं। ऑरेंज कलर का साउथ दिशा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दक्षिण दिशा में सबसे माकूल इस्तेमाल होगा।